आ जाओ मेरे नोनुओ फिर से। अब इस क्वेश्चन में तुम फंसोगे क्योंकि ये है क्वेश्चन तगड़ा। चलो इसको ट्राई करो, एक बार पढ़ देता हूँ मैं। दी इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन दी रेशो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन दी रेशो 5:3। इफ ईच सेव्स ₹1,000 देन एज इनकम इज, चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 3,000, दूसरा 4,000, तीसरा 6,000 और चौथा 9,000। ट्राई करा, हुआ नहीं हुआ? मोस्ट उम्मीद है कि नहीं हुआ होगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, इसको भी लपेटे में लेते हैं। सिंपल जैसे करते थे वैसे शुरू करेंगे। भगवान जी लिखेंगे सबसे पहले गिवन। गिवन में क्या है, इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी आर इन रेशो, रेशो दे रखी है 3:2 लिख दो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 रेशो हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रेशो किस चीज की है। दी इनकम्स ऑफ ए एंड बी, तो इनकम की रेशो है 3:2। इनकम को हमने आई से डिनोट कर दिया। आगे पढ़े, एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशो 5:3। अब ए बी यानी ए का 3, बी का 2, और ए का 5 और बी का 3। अब ये किस चीज की रेशो है, उनके एक्सपेंडिचर की, उसको ई से कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इफ ईच सेव्स ₹1,000, ध्यान देना ईच सेव्स रुपीज 1,000, 1,000 सेव करते हैं, ए की इनकम निकालनी है, तो निकालना क्या है, टू फाइंड ए। चलो भाई सॉल्यूशन पे आए। अब बच्चे जाते हैं घूम, क्यों घूम जाते हैं भाई, दो दो रेशो दे रखी है, ए की संभालनी भारी होती है, दो दे रखी है। तो अब देखो मैंने क्या कहा था, सिंपल अप्रोच फॉलो करनी है जो हम करते आए हैं। रेशो दे रखी है, अब रेशो को करना है खत्म। सबसे पहले ये वाले रेशो उठाते हैं, लेट द इनकम रेशो बी एक्स। देखो भाई हमें रेशो देखते चढ़ती है पिनक, पिनक चढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पिनक को हटाने के लिए इन रेशो को एक्स में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि लेट द रेशो बी एक्स क्या है भाई, मैं रेशो को ना कोई भी एक दूसरा वेरिएबल मान रहा हूँ, जरूरी नहीं वो एक्स हो, वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल जेड तक हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, बस वो कोई नंबर नहीं हो सकता, उसे ऐसे अज्ञे जैसे ज्ञानी से बीच में तुम कुछ भी ले सकते हो। इतनी बात समझ में भाई, तो हमारे पास क्या होती थी, एक रेशो होती थी, तो हमने उस रेशो को एक्स मान लिया। अब देखो आमतौर पर मैं क्या लिखता था, लेट द रेशो बी एक्स लिखता था, लेकिन यहाँ पे मैंने इनकम रेशो लगाया, क्यों, क्योंकि भाई मुझे 2 रेशो दे रखी और मैं इन दोनों रेशो का कल्याण करने वाला हूँ, एक को मैं एक्स में कन्वर्ट करूंगा, दूसरे को मैं किसी और में कन्वर्ट करूंगा, तो इसलिए मेरे को बताना पड़ेगा कि इनकम की रेशो एक्स है मेरी, ये इनकम वाली रेशो की बात कर रहा हूँ, वरना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि बेटा तू रेशो की बात कर रहा है लेकिन कौन से वाले की, ऊपर वाले की या नीचे वाले की। तो बस मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि इनकम की रेशो को मैं एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी हमने कोई कलाकारी नहीं दिखाई, कुछ नहीं करा है, क्वेश्चन खतरनाक है, लेकिन मैं बिल्कुल वैसी अप्रोच यूज करूंगा जैसी मैं करता है। तो लेट द इनकम रेशो बी, देयरफॉर रेशो बिकम्स, फिर से वही होगा, रेशो क्या बन जाएगी अपनी 3x और 2x, किसकी बन जाएगी, इनकम की बन जाएगी, याद रखो। ए वन लिख दो यहाँ पे, ए और बी की है, इतना समझ में आया भाई। अब देखो ये वाली रेशो हटा दी, अब दूसरी वाली रेशो कल्याण करते हैं, लेट द एक्सपेंडिचर 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 है ना, हाँ, रेशो बी वाई। अब देखने वाली बात, जरूरी समझने वाली बात, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि x मात्र एक वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे 3:2 एक इनकम की रेशो को स्पेसिफाई कर रही थी, इसलिए दोनों की रेशो मैंने x मान ली। यहाँ पे मेरे को एक्सपेंडिचर की रेशो देखनी है जो कि 5:3 है, उसकी रेशो को मैं क्या मानूंगा, y। अब मूर्खों की तरह उठा के किसी भी रेशो को x मत लिख देना, क्यों, क्योंकि भाई बात समझो, वो इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, दोनों अलग अलग होती है क्वांटिटी। मान लो इनकम 100 रुपए थी, उसका खर्चा 20 रुपए का था, और तुमने उसको भी 100 रुपए मान लिया, तो ना हो जाएगा ना, इसलिए क्या करते हैं, इनकम की रेशो को हमने एक्स माना और एक्सपेंडिचर की रेशो को हमने वाई माना, सिंपल। देयरफॉर रेशो बिकम्स क्या बन जाएगी, एक्सपेंडिचर बन जाएगी, याद रखना मैंने जैसे पहले कहा था कि जब रेशो हटती है तो क्या बन जाती है, ओरिजिनल चीज बन जाती है जो भी वो होती है। यहाँ पे इनकम की रेशो थी तो रेशो हटेगी तो इनकम बन जाएगी, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की रेशो है तो रेशो हटेगा तो एक्सपेंडिचर बन जाएगा, तो क्या बन गया ये 5y, 3y, किस किस की है, ए की और बी की। अब हम दोबारा फंस गए, हम गए पप्पा जी के पास, यहाँ पे बोला है ईच सेव्स ₹1,000, ईच सेव्स मतलब ईच किसकी बात हो रही है, हर कोई 1,000 बचा रहा है, हर कोई मतलब ए भी 1,000 बचा रहा है और बी भी 1,000 बचा रहा है। देखो अब तुम सोचोगे यार यहाँ पे तो इनकम एक्सपेंडिचर ये फलाना डेढ़ा चीज दे दी यार, इनको सोल्व करने के लिए तो हमें कोई और ही कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, सिंपल सी चीज बताओ, इनकम का मतलब नहीं पता, इनकम क्या होती है, जो तनख्वाह तुम्हें मिलती है, एक्सपेंडिचर का मतलब नहीं पता तो बता देता, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है, सबके घरों में नॉर्मल बातें होती हैं भाई, कितना तनख्वाह है तेरी, कितना खर्चा हुआ और उसके बाद कितना बचा, क्या होता है, मान लो तुम्हारी इनकम थी 100 रुपये, तुम्हारा खर्चा हो गया 20 रुपये, तो कितने बचे, 80 रुपये बचे, जो बचते हैं उसको क्या कहते हो, भाई ये मेरी सेविंग है, 80 रुपये सेविंग हो गई। यानी कि अगर तुम्हारी इनकम थी 100 रुपये, खर्चा हो गया तुम्हारा 20 रुपये और तुम्हारी सेविंग हो गई 80 रुपये, कैसे निकाला तुमने, भाई
100 में से 20 माइनस कर दिया, 80 आ गया। 100 क्या थी? इनकम थी। 20 क्या था? खर्चा था। और ये क्या आ गई? तुम्हारी सेविंग आ गई। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसी चीज को फॉर्मूले में डाल के तुम कंफ्यूज करते रहते हैं कि भाई ये फॉर्मूला है, रट लो। रटने वाली क्या बात है इसमें? इनकम में से अगर हम खर्चा माइनस करेंगे तो सबसे बात सेविंग ही तो आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब हमें क्या पता है कि भाई इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो मेरे पास सेविंग आ जाती है। भगवान जी ने कहा कि सेव रुपीज 1000 हो रहा है। सेव, सेविंग क्या होती है यार? सेविंग होती है जब मैं इनकम में से अपना खर्चा माइनस कर देता हूं तो मेरे पास सेविंग आ जाती है। और उसने कहा ईच सेव 1000, यानी कि ए जो है अपना ए भी 1000 रुपए बचा रहा है और जो बी है वो भी 1000 रुपए बचा रहा है। अब जरा एक चीज देखो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने इनकम और यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंडिचर, ये है मेरे ए और बी। जैसे मैंने सेम यहाँ पे लिखा था वही लिख दिया, ए की इनकम कितनी भाई 3x, बी की इनकम कितनी 2x, ए का खर्चा कितना 5y और बी का खर्चा कितना 3y। हमें पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा सेविंग आ जाएगी। जब हम यहाँ फंस गए थे, हमने बप्पा जी के पास गए, बप्पा जी ने बोला कि भाई तो दोनों के दोनों 1000 रुपए बचा रहे हैं। हमें पता है सेविंग, सेविंग क्या होती है? सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब दोनों बचा रहे हैं यानी कि ए भी उतना ही बचा रहा है, बी भी उतना ही बचा रहा है। अब ए कितनी बचाएगा? ए की इनकम में से ए का एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो ए की सेविंग आ जाएगी। यानी कि इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए मुझे सेविंग ऑफ ए दे देगा। इनकम ऑफ ए कितनी है? देखो जरा, इनकम ऑफ ए 3x लिख दो यहाँ, माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है 5y देखो, बराबर सेविंग ऑफ ए। सेविंग ऑफ ए कितनी है? कितनी दे रखी है उसने? 1000 बचा रहे हैं ना दोनों के दोनों, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगी। इसी तरह इनकम ऑफ बी में से एक्सपेंडिचर ऑफ बी माइनस कर दूं तो सेविंग ऑफ बी आ जाएगी। इनकम ऑफ बी कितनी है? देखो इनकम ऑफ बी 2x है, माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है? एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है 3y, बराबर सेविंग ऑफ बी कितनी है? ये भी 1000 बचा रहा है, बोला है ना उसने ईच। ध्यान रखना ये ईच का मतलब होता है दोनों के दोनों। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ गई। चलो ये दोनों इक्वेशन मैंने दोबारा लिख लिया यहाँ पे। अब देखो आम तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल होता था x और x, तो हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती थी, हम आराम से निकाल देते। यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम एक सिंपल सा रूल बताता हूँ मैं भाई, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होती है हमें सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल देखकर बताता हूँ। पहले मान लो हमारे पास इस तरह की कुछ आता था कि 4x + 3x = 14, तो हम क्या करते थे? सिंपल इनको ऐड करते थे और सॉल्व कर लेते थे। इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है वो एक्स की पावर कितनी है? 1 है, इसलिए लीनियर कह देते हैं। इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का 2 का साइन आ रहा है। और वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल है एक्स। अब इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर मतलब इन दोनों की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वेशन इक्वल टू का साइन है। और वेरिएबल कितने हैं? 2, एक तो एक्स है और एक वाई है, इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा टॉपिक अगर मैं तुम्हें लीनियर इक्वेशन समझाने लग जाऊं। मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें इतना आता होगा कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं एक तरीका बता देता हूं तुम्हें, सिंपल सा तरीका है। इन दोनों के जो भी कोफिशियंट्स है इन दोनों को ना बराबर कर देते। मान लो कि मेरे को 5y और 3y को बराबर करना है। कैसे करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। क्यों करा मैं बताता हूँ क्यों करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखते क्या आता है। भाई 3 × 3 = 9x - 3 × 5 = 15y = 3000। ये आ गया। 5 × 2 से करेंगे 10x - 5 × 3 से करा 15y = इसको करेंगे तो ये 5000 आ जाएगा। हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे 5 को 3 से करते हैं और 3 को 5 से, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। और बराबर हो जाने के बाद पता है एक इक्वेशन में से दूसरी माइनस कर देते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये एक इक्वेशन बच जाती है हमारे पास एक ही वेरिएबल की फॉर्म में, और उसको हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया, 2 में से 1 माइनस कर देंगे। अब माइनस कैसे होती है? ये जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड से होगी। कैसे? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 10x - 15y माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ना ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे। क्या माइनस करेंगे? इक्वेशन 1 क्या है? 9x - 15y बराबर। अब यहाँ पे 2 - 1 फिर से करेंगे। 2 क्या है? 5000 माइनस 1, 1 क्या है? 3000। इतना समझ में आया? कुछ नहीं करा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दिया। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड में 10x माइनस किया था, यही पे रख दिया, और 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? ये इसको यहाँ पे कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। उसी तरह इक्वेशन 2 की राइट साइड पे 5000 था ऐसे लिखा, उसको माइनस कर दिया क्योंकि हमें माइनस करना था इक्वेशन फर्स्ट 3000। अब इनको माइनस करके देखते क्या आता है। 10x - 15y माइनस ऐसे रहेगा, जब ब्रैकेट खुलते हैं तो साइन उल्टे हो जाते हैं, यानी ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था ये प्लस का हो जाता है। 5000 में 3000 गए, 2000 बचेंगे। अब देखो प्लस का 15y माइनस का 15y आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचे? 10x - 9x, 10x में से 9x गए, क्या बचेगा? सिंपल x = 2000 आ गई। अब
भूलना नहीं हमें क्या निकालना था, भूलना नहीं क्या निकालना था हमें, टू फाइंड ए, ए की वैल्यू निकालनी थी हमें। ए की क्या निकालनी थी, ध्यान दो, ए इज इनकम, मैंने भी यहाँ लिखना भूल गया, ए की इनकम निकालनी थी हमें। अब नीचे देखो, ए की इनकम क्या है, 3x, 3x है यहाँ पे, x की वैल्यू 2000 आ गई, तो a बराबर 3x बराबर 3 मल्टीप्लाई 2000 बोले तो 6000। ऑप्शन का था हमारा 6000, ये रहा आ गया, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया खत्म यहाँ पे। देखो भाई, मैं समझता हूँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन समझने वाला था, और ये थोड़ा बड़ा हुआ भी क्योंकि मैंने तुम्हें छोटी छोटी और चीजें बता दी थी, जैसे लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल वगैरह, अगर ये तुम्हें आती होती ऑलरेडी तो ये क्वेश्चन और छोटा हो जाता है। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन मजेदार था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है जिगर के छिलको, ये क्वेश्चन हमें कॉमेंट सेक्शन द्वारा चौधरी साहब ने दिया था, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एज मनी इज टू बीज मनी एज 4:5 एंड बीज मनी इज टू सीज मनी एज 2:3 इफ ए हैज रुपीज 800, सी हैज, चार ऑप्शन है, 1000, 1200, 1500 और 2000। पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। करा ट्राई, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखते हैं उसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही गिवन लिख लेंगे। देखो भाई, गिवन में क्या क्या है, एज मनी इज टू बीज मनी, ए इज टू बी, ए रेशो बी दे रखी है कितनी है 4:5 एंड बीज मनी इज टू सीज, और बी और सी की कितनी दे रखी है, बी और सी की कितनी दे रखी है हमें 2:3, 2:3। चलो आगे क्या, इफ ए हैज रुपीज 800, यानी ए के सीधे सीधा 800 रुपए बता रखे हैं, निकाले किसके हैं, सी के, तो टू फाइंड क्या करना है हमें, सी की वैल्यू। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, और अब भी हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लेट द रेशो बी एक्स, लेट द रेशो बी एक्स, लेकिन किसका रेशो, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ पे भी 2 रेशो दे रखी है। अब इसमें किसका रेशो, ए और बी वाला रेशो, ऑफ ए एंड बी, इंग्लिश ऊपर नीचे लिख दी मैंने, लेट द रेशो ऑफ ए एंड बी बी एक्स आना चाहिए था, लेकिन ठीक है समझ जाओ, ठीक है वो इंग्लिश से कुछ लेगा नहीं हमारा। तो क्या हो गया, ए और बी क्या हो गया अपने 4x और 5x हो गए। अब जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर दो अलग अलग रेशो है तो हम उनको सेम वेरिएबल में नहीं लेंगे, इसको एक्स लिया है तो इसको वाई लेंगे। अब इसकी भी रेशो को तोड़ते हैं हम, तो लेट द रेशो ऑफ बी एंड सी, बी क्या हो गया, बी और सी का क्या हो गया, वाई, 2y और 3y। अब हम क्या है, अब इगोइस्टिक पर्सन है, हमें तो सीधा सी निकालना है, सी क्या है हमारे पास, सी पता है 3y है, अब फंस गए हम यहाँ पे आ गए, यार सी तो मुझे पता है 3y है, अगर मुझे वाई की वैल्यू पता लग जाती ना तो मजा आ जाता। अब हम आ गए वापस, हम वापस गए भगवान जी के पास, भगवान जी ने कहा बेटा ए की वैल्यू 800 दे रखी है, हमें कहा भाई ए बराबर 800 है और सी बराबर क्या है 3y, अगर y की वैल्यू मिल जाए तो मजा आ जाएगी। हम भगवान जी के पास गए, हमने क्या कहा a बराबर 800 है, तो हमने कहा a बराबर 800 है, लेकिन a तो हमारे पास 4x है, लिख दिया हमें। अब भी देखो, अब भी हमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्यों, ध्यान से देखो भाई, 800 4x से बराबर है, यहां से मेरे पास चलो x की वैल्यू भी आ गई, लेकिन इस y का क्या करूंगा, y कहां से आएगा मेरे पास, इसलिए क्वेश्चन बेहतरीन है। तो अब y की वैल्यू कैसे लें, अब लगेगा यहाँ पे दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगेगा क्योंकि क्वेश्चन है ट्रिकी। ट्रिक कहां दिया उसने, देखो a और b 4:5 है, b और c 2:3 है, दोनों में b कॉमन है, मतलब भाई a की कुछ वैल्यू होगी और b की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे भी तो b की सेम वैल्यू है, बात समझो, रेशो अलग हो सकता है, क्यों, मान लो यहाँ पे ये 16 है, यहाँ पे ये कुछ और होता 18 होता, तो इन दोनों की रेशो अलग अलग आती, यहाँ पे ये 16 ही है और ये मान लो 20 हो गया, तो भी दोनों की रेशो अलग आएगी, लेकिन b की वैल्यू तो सेम है। कहने का मतलब है ये जो b 5x है हमारा और ये जो b 2y है, ये दोनों बराबर है, यानी कि मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, b बराबर 5x बराबर 2y है, इतनी बात समझ में आई पक्का। अब यहाँ से बात बन जाएगी हमारी, ऊपर में क्या है, a बराबर 800 बराबर 4x है, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, 800/4 बोले तो 200 आई वैल्यू। अब यहाँ पे देखो b बराबर 5x बराबर 2y है, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू डाल दूँ तो y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, और c की वैल्यू क्या है 3y है, तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू वही डाल दूँ तो आंसर आ जाएगा मेरा, करके देखें, 5 × x क्या है 200 बराबर 2y, इसमें क्या आया, y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 5 × 200/2, ये कितनी आएगी 2×2 ये 500 आ गई y की वैल्यू, c बराबर क्या है 3y, माने 3 × 500 बोले तो 1500, कहाँ है 1500, ये रहा आ गया आंसर। एक बार फिर से बताता हूँ फ्लो में कि कैसे करा, देखो भाई a और b का रेशो रखा था 4:5, b और c का रेशो दे रखा था 2:3 दे रखा था, a की वैल्यू दे रखी थी 800 निकालना था c, हमने क्या करा पहले से सारी रेशो खत्म करी, ठीक है, a और b को 4x 5x बनाया, b और c को 2y 3y बनाया, इतनी बात समझ में आई। फिर हम हो गए अहंकारी, अहंकारी हो गए, हमने कहा c की वैल्यू निकालनी है, 2 मिनट में निकाल देंगे, c हमने देखा यहाँ पे क्या 3y, तो c बराबर 3y लिख दिया, फंस गए, y की वैल्यू पता नहीं थी, भगवान जी के पास, भगवान जी ने कहा बेटा मैं तो a दे सकता हूँ 800 रुपये,
भगवान जी भी हमसे थक गया था। ए बराबर 800 दिया उसने, हमें पता था ए 400 के बराबर है, हमने क्या करा 800 400 के बराबर पुट करा, एक्स की वैल्यू हमारे पास 200 आ गई। अब फिर फंस गए हम, एक्स की वैल्यू 200 आई है लेकिन हमें तो वाई की चाहिए। फिर हमने क्या करा, हम गए अपने भगवान जी के पास, हमने देखा यार यहाँ पे तो बी और बी भगवान जी ने सेम दे रखा है। वो हमने फिर दिमाग लगाया कि मैंने कहा बी 5x और बी यहाँ पे बी है तो दोनों बी, इसका मतलब दोनों सेम होंगे, यानी कि बी बराबर 5x जो कि 2y के बराबर होगा। अब यहाँ हमारे मजे आ गए क्योंकि x की वैल्यू तो हमें पता है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाती है 5 x यानी 5 × 200 बराबर 2y। यहाँ से हमने अगर दो नीचे लेकर डिवाइड में, तो क्या हुआ 5 × 200 / 2, 5 × 200 / 2 ये हमें y की वैल्यू 500 देती, बस y की वैल्यू 500 देती, गेम खत्म। निकालने का था सी बराबर क्या था 3y, सी बराबर 3y, 3 × y बोले तो 3 × 500 = 1500, आंसर आ गया खत्म।